परसेंट नीचे जिसका 61% है उसका एडमिशन ले लिया, हम लोग का 69 है अभी तक एडमिशन नहीं लिया। और सर से जब इस कंप्लेन किया तो सर बोलते आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, कल मीटिंग करवाई। तो सेकंड मेडिटेट में इसका हाई होता है और फर्स्ट का मतलब इस तरह का घटना हो जाता है। जब उनसे हमने बात रखा तो बोलते कि आपके हंगामा करना है हंगामा करो, सरकार की ये पॉलिसी है। कट ऑफ में दिया गया है 64 point something, मतलब 63% है। तो हम वहाँ पे गए कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, नॉट सिलेक्टेड आया लिस्ट में नाम। जब हम वहाँ गए तो बोल रहे हैं सर कि ऐसा है कि जो आपका 2 साल गैप है, 2 साल को लेके 4% काट लिया गया है। सेकेंड डिवीजन वाले का मेरा 59.25% है, तो जब फर्स्ट डिवीजन वाले का 70% है इसका और इसका 61% है तो एडमिशन नहीं हुआ तब, तो इसका मतलब हम इसी यूनिवर्सिटी के रह के भी आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट का कट ऑफ लिस्ट जो गया था उसका 64 गया था, दूसरा सेकेंड फेज में 72 चल गया सर, तो इसी वजह से सर मेरा 65.75 है सर, इसी वजह से सर हम भी वंचित हो गए एडमिशन लेने। नमस्कार, मैं हूँ सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आपने ये तो सुना होगा कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मामला होता है। ये राजधानी पटना में ही आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाया छात्रों ने, उसको लेकर के आंदोलन कितना उग्र हो गया इससे पूरा देश वाकिफ है। लेकिन नामांकन में भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है, ये मामला पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का है। और हमारे साथ पीजी में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारे छात्र यहाँ खड़े हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि कट ऑफ में गड़बड़ी हुई है, जिनका अधिक नंबर था उन्हें पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और जिनका कम था उन्हें मेरिट में शामिल कर लिया गया है। क्या मामला है, क्या हंगामा क्यों हो रहा है? ये हम लोग का परसेंटेज 70% है, जिसमें कट ऑफ में मतलब दिया हुआ था कि 65 पर जो है बच्चा उनको एडमिशन हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं दिया गया और सेकेंड लिस्ट में मतलब परसेंटेज बढ़ा दिया गया, उसमें भी हम लोग का नाम नहीं आया। मतलब जो जूनियर है उनका हो गया एडमिशन, हम लोग सीनियर का 2 साल से बैठे हुए हैं। तो क्या जवाब मिला डीन की तरफ से या वीसी की तरफ से, कोई आश्वासन मिला या क्यों आपने जवाब मांगा कि इस तरह की गड़बड़ी क्यों हुई? बोले सर हम लोग सुबह से 11 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल भी आए थे, कल भी एडमिशन नहीं हुआ, हम लोग पिछले 1 साल 2 साल से भी अप्लाई करे नहीं हुआ, तो हम लोग को लगा कि हम लोग का इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस बार जब आए हम लोग का सब सही है। और हम लोग को जो स्टूडेंट नीचे जिसका 61% है उसका एडमिशन ले लिया, हम लोग का 69 है अभी तक एडमिशन नहीं लिया। और सर से जब इस कंप्लेन किया तो सर बोलते आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, कल मीटिंग करवाएंगे। कल से हम लोग वही कर रहे हैं, 11 बजे आते हैं यहाँ पे, सर से बोलते हैं सर कल करते हैं और एडमिशन हम लोग का लास्ट डे है 13 तारीख तक, एडमिशन सब खत्म हो जाएगा। हम लोग इस बार भी 1 साल हम लोग का बर्बाद हो जाएगा, 13 तक एडमिशन है, डेट भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है हम लोग का, और हम लोग ऐसे कल आ रहे हैं कोई इशू, मतलब हर एक प्रॉब्लम। और क्या यहाँ पे दिक्कत है, जो हम लोग का सीनियर जो है जो 2019 में जो पीजी कर चुके हैं उनको इस बार 4% कम कर दिया गया है। हम लोग कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हैं, वही कॉलेज में एडमिशन के लिए 11th 12th या फिर हम लोग ग्रेजुएशन वहीं से किए हैं, लेकिन जब पीजी के लिए किए तो हम लोग का कोई वहाँ बेनिफिट ही नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है कि हाँ वही कॉलेज में तो कुछ बेनिफिट दे। कुछ कॉलेज जैसे पटना यूनिवर्सिटी में होता है, पटना यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है कि आप वही कॉलेज से वही यूनिवर्सिटी से है तो आपका पहले लेगा फिर बाद में लेगा, लेकिन इस बार ये किया गया जो न्यू स्टूडेंट जो लोग आए हैं, मतलब हम लोग 69% हम लोग का लिया नहीं, फिर सेकेंड कट ऑफ निकाला जो हम लोग से कम था या फिर जो एडमिशन करवाया नहीं फर्स्ट टाइम ज़्यादा था उसका ले लिया, हम लोग का लिया ही नहीं। हम लोग का ज़्यादा मार्क्स है फिर भी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, हम लोग सीनियर हैं, हम लोग से जूनियर है, उनका एडमिशन हो गया, हम लोग इसका मतलब। हमेशा यूनिवर्सिटी या राजभवन की तरफ से ये कहा जाता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, इसमें भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं। आप वो कुछ चीज़ें लेकर के यहाँ खड़े हैं, शायद मेरिट लिस्ट है, आप दिखाएंगे कि आप यहाँ अंकित करके आपने बताया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ी है। सर ये यूनिवर्सिटी का ही मेरिट लिस्ट है जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 62% पे लिया गया है ज्योग्राफी ऑनर्स में, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट पे देखिए सेकंड मेरिट पे इसका हाई क्यों होता है, जो कि सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद सेकंड मेरिट जब भी आता है तो उससे कम होनी चाहिए। स्वाभाविक है। तो सेकंड मेरिट लिस्ट में इसका हाई होता है और फर्स्ट का मतलब इस तरह का घटना हो जाता है। जब उनसे हमने बात रखा तो बोलते कि आपके हंगामा करना है हंगामा करो, सरकार की ये पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी ये कैसे हो सकती है कि भाई जो काबिल है उसको नीचे कर दिया जाए या जिसका नंबर कम है उसको ऊपर करके आप पहले एडमिशन ले लें? ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हो सकती है, किसी की व्यक्तिगत पॉलिसी हो सकती है, सरकार की पॉलिसी आपका ये कहना है कि जवाब ये मिला आपको? यस सर, ये बोले कि सरकार की पॉलिसी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमने जब हम लोग गए वहाँ पे बोलने कि सर ऐसा मेरा 65.8% है, कट ऑफ में दिया गया है 64 point something, मतलब 63% है, तो हम वहाँ पे गए कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, नॉट सिलेक्टेड आया लिस्ट में नाम,
जब हम वहाँ गए तो बोल रहे हैं सर कि ऐसा है कि जो आपका 2 साल गैप है, 2 साल को लेकर 4% काट लिया गया है। हम किस भाई कोरोना को लेकर इतना ये सब ज़्यादा किया जा रहा है, कोरोना को लेकर क्या किधर एडमिशन पता ही नहीं चल रहा था, करवा रहे हर बार। मान लीजिए इस बार मेरा एडमिशन नहीं हुआ, 66 को कर दिया गया, 61% कर दिया गया। अब अगले बार हुआ कि 61 को और 2% घटा दिया जाएगा, फिर एडमिशन नहीं हो, जब 61 पे नहीं हो रहा फिर 2%, तो हम फर्स्ट डिवीजन में 66% का मेरा कोई मायने ही नहीं रह जाएगा, फिर सेकेंड डिवीजन आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, मैं कभी भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। नेट जेआरएफ का फॉर्म डालना है हमको, हम फॉर्म नहीं डाल पा रहे, इससे 2 साल से इधर उधर दर बदर घूम रहे, कोई अति नहीं हो रहा। वहाँ पे जा रहे जब बोले उनको तो बोले हंगामा करना, तुम लोग हंगामा करो, जो करना है करो, बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको भी यही उत्तर मिला, आप भी छात्र हैं? हाँ, इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, लेकिन मेरा सेकेंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन वाले का जब एडमिशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मेरा भी एडमिशन नहीं होगा। सेकेंड डिवीजन वाले का मेरा 59.25% है, तो जब फर्स्ट डिवीजन वाले का 70% है इसका, और इसका 61% है, तो एडमिशन नहीं हुआ तब, तो इसका मतलब हम इसी यूनिवर्सिटी के रह के भी आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड बात बोला जाता है सर कि आपको FIR करना है, जाके कोर्ट से केस करो। क्या हम लोग एडमिशन लेने आए हैं कि केस लड़ने आए हैं यूनिवर्सिटी से? मतलब प्रशासन की तरफ से आपने ऑफिस में संपर्क किया तो आपको ये कहा गया कि आप FIR कर दो, जो करना है जो करो। रिकॉर्ड मेरे पास, मैं मोबाइल में मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मैंने रिकॉर्ड भी किया है मोबाइल में। जी आप बोलिए। जी सर, हमको ये बोलना है सर, जब हम लोग फर्स्ट फेज में अप्लाई किए थे सर, उस समय क्या हुआ था कि मेरे डिपार्टमेंट का 64 कट ऑफ गया था। जब सेकंड फेज के लिए अप्लाई किए थे सर, उस समय क्या हुआ कि हम लोगों का जो सेकंड फेज में जो जो न्यू स्टूडेंट्स अप्लाई किया था सर, उसका कट ऑफ लिस्ट हम मेरे डिपार्टमेंट फर्स्ट का कट ऑफ लिस्ट जो गया था उसका 64 गया था, दूसरा सेकेंड फेज में 72 चल गया सर, तो इसी वजह से सर मेरा 65.75 है सर, इसी वजह से सर हम भी वंचित हो गए एडमिशन लेने से सर, सेकेंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया सर, तो ऐसे सर इस तरीके से मेरा 17-3-20 सेशन में मेरा सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर। तो हम सर क्या होता है कि 21 में भी अप्लाई किए तो उस समय सर एडमिशन नहीं हुआ, फिर सर 21 से 20 में अप्लाई किए थे, उस समय नहीं हुआ 20 के सेशन में, 20 से 22 सेशन में, अब 21 से 23 सेशन में सर अप्लाई कर रहे हैं, इस समय भी नहीं होगा सर, तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर, हम लोग क्या करेंगे? तो इसीलिए सर इसी समस्या को लेकर के सर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। आमतौर से ये माना जाता था कि जो नियुक्तियां होती है उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, BSSC के हो कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन ये इसमें एडमिशन में नामांकन में इस तरह की शिकायत आ रही है? जी बहुत ज़्यादा सर, पिछले बार मतलब हम लोग फॉर्म भरे तो नहीं हुआ, क्या पिछले बार फॉर्म का 800 था और इस बार 2022 में मतलब फॉर्म का 500 है, तो हम लोग का रेट जो है पिछले बार सर 800 था, इस बार जो है 400 किया। जी मैं 17-20 सेशन की स्टूडेंट हूँ और मुझे मैथ्स में एडमिशन लेना था, पिछली बार भी कम सीट होने के कारण मैं एडमिशन नहीं ले पाई स्पॉट राउंड में, और इस बार मैंने PU में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो मेरिट में आया नहीं है, तो मुझे रीओपन साइट फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए रीओपन करवाना है पोस्टल को, ताकि मैं भी एडमिशन ले सकूं, और सीट एक्सटेंशन ज़रूरी है क्योंकि सीट की कमी के कारण मैं पिछले साल भी रह गई और इस तरह से PG में मैं पिछड़ती जा रही हूँ, एट लास्ट तो लोग थक कर छोड़ देंगे, PG करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, तो फिर अगला क्या कदम होगा सर? धरने पर बैठेंगे। मेरे सिवा इसके बाद कोई ऑप्शन ही तो नहीं है, कहाँ जाऊँगा? ये बोलते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग आगे की पढ़ाई, क्या करेंगे अगर हम लोग PG UG कर लिए, PG कैसे करेंगे? जब ले ही नहीं रहे एडमिशन तो PG कैसे करेंगे? यहीं पर रहेंगे, यहीं बैठेंगे सर। इधर हम लोगों को सर नेट का प्रिपरेशन करना है सर, मेरा सर 21 से 23 सेशन में ग्रेजुएशन PG कंप्लीट होगा सर, अपेयरिंग में भी हम नेट का फॉर्म भर सकते हैं सर, हम लोग अभी कंटिन्यू किया प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए नेट का सर। जब हम लोगों का सर PG नहीं होगा सर, हम लोग अपेयरिंग में नहीं रहेंगे सर, तो हम लोग नेट का फॉर्म कैसे भरेंगे सर? तो ये तो सरासरी हम लोगों के साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर, इसीलिए यूनिवर्सिटी के VC से मेरा यही सर अनुरोध है कि सर वो लोग मेरे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाले, नहीं तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे धरना। क्या जवाब मिला आपको, क्या उम्मीद लग रही है? छात्रों का जिस तरह का मांग है उस तरह का जवाब यहाँ से नहीं मिला है। उनका कहना है कि आप आंदोलन कीजिए, तो मतलब छात्र कब तक आंदोलन करेगा? ये तो कोई डिसीजन नहीं हुआ। इस तरह के पोजीशन पर बैठकर आप इस तरह का बात कहते हैं, शर्म नहीं लगती है उनको थोड़ा सा भी बोलने में? छात्र अपना एडमिशन अपने करियर के लिए यहाँ पर आए हैं, हम लोग का बस दो ही चार मेजर पॉइंट जो है मांग है। पहला जो स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक साल जो 2% जो कम कर दिया जा रहा है, ये कहीं भी यूनिवर्सिटी में इस तरह का नहीं है, इसको बंद किया जाए। और दूसरी मांग क्या है यहाँ पर ही, जो अगर छात्र ज़्यादा है तो आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? अभी तक सीट नहीं बढ़ा रहा है, कई छात्र जो यहाँ का
तीसरी मांग यहाँ पर छात्रों का है कि जो इस यूनिवर्सिटी का खुद स्टूडेंट है उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो पटना यूनिवर्सिटी में ये रूल पहले से चली आ रही वो भी नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर सीट रिजर्व नहीं, वो छात्र कहाँ जाएगा जो इस यूनिवर्सिटी से, वो कहाँ जाएगा। ये सब मांग को लेकर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आंदोलन कीजिए। कब तक ये छात्र के साथ ये ऐसा करता जाएगा? एडमिशन फुल हो रहा है, इन लोग का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। हम लोग ने बोला कि तत्कालिक तौर पर आप एडमिशन बंद कीजिए, एडमिशन बंद करके छात्रों का पहले मांग को पूरा कीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऊपर से नोटिस नहीं है। ऊपर से कहाँ तक जाएँ, इसके ऊपर तो राज्यपाल होता है, तो हम लोग राज्यपाल को जाकर घेरे। अभी तक इस तरह की समस्या हर एक बार हर एक तौर पर छात्रों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। तो साफ तौर पे एक आम छात्र का कह रहा है कि पहले नियुक्तियों के लिए हंगामा करना पड़ता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको जो कार्रवाई करनी है, धरना प्रदर्शन करना हो, राजभवन जाना हो, जाएं, लेकिन हमने जो लिस्ट निकाली है वो यथावत है, उसमें बदलाव नहीं होगा। आप सोच सकते हैं न्यूज़ फाउंडेशन के माध्यम से छात्रों की जो परेशानी है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो हमेशा से हम लोग उठाते रहे हैं। एक छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आता है, शहरों में कितनी कठिनाई उसे झेलनी पड़ती है, छोटे छोटे लॉज में किस तरह से वो छोटे संसाधन में खाना बना करके, दो वक्त की रोटी और अपना पेट काट करके, उनका जो आप सपना होता है कि उच्च शिक्षा उसे हासिल करे, लेकिन एक नामांकन की प्रक्रिया में इस तरह की परेशानी झेलनी पड़े। और ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का मामला है, और ये शिकायत छात्रों की है कि मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नंबर अधिक था उन्हें सेकेंड लिस्ट में या लिस्ट से बाहर कर दिया गया, और जिनका नंबर कम था उन्हें ऊपर कर दिया गया। ये सरासर भ्रष्टाचार का मामला आता है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए। छात्रों के हित के बारे में उन्हें सोचना चाहिए और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।